एक कन्वर्टेबल लैपटॉप आया था मार्केट में विथ टच एंड बहुत सारे फंक्शंस इसमें हैं लेकिन क्या ये सक्सेसफुल है क्या ये सही से काम करता है क्या इसमें कुछ खराबियां हैं उन सारी चीजों के बारे में हम अब डिटेल में बात कर सकते हैं सो वेलकम टू अनवाइड रिव्यू वंस अगेन सो दिस इज एस एस रोग एक्स फ्लो थर्टीन और यहां पे अगर देखें एजेस पे सबसे पहले एजेस दिखाना चाहूंगा आपको सो जो ये एजेस हैं आप यहां देख सकते हैं इसके पेंट जो है वो रिमूव हो चुका है सात मंथ में थोड़ा सा स्क्रेचेज आते हैं तो पेंट उतना सॉलिड नहीं है इस लैपटॉप का एस आईड टेक्नोलॉजी से हमें मतलब है पेंट से क्या मतलब है बट इतना अगर प्रीमियम लैपटॉप ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत आपको सोचना तो पड़ेगा बट आते हैं इसके फीचर्स के बारे में ये पेंट वाली हो गई बात फीचर्स में सबसे पहला वेस्ट फीचर क्या है तो फुल्ली 360 रोटेशन सबसे फर्स्ट फीचर ऑफ दिस लैपटॉप आप इसको ईजिली पूरी तरीके से घुमा सकते हैं एज ए टैबलेट कैसे भी रख सकते हैं एनी हाउ आप जिधर चाहेंगे फुल्ली रोटेटेड है आप इस रोटेशन को चाहे तो बंद भी कर सकते हैं जब ऐसे रोटेट करते हैं तो लैपटॉप ऑटोमेटिक आपको फंक्शन देता है कि आप इसमें एज ए टैबलेट मोड यूज करें उस मोड को आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं इस साइड देखें तो यहां पे आपको फिंगरप्रिंट मिल जाता है विथ पावर बटन ये आपका हो गया जो यूएसबी 3. पॉइंट यूएसबी जो पॉइंट थ्री है वो हो गया यहां पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है जो जिससे आपका चार्ज होगा जो कि टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है वो हो गई यहां पे फैंक्स के एग्जॉक्ट हो गए नीचे भी कुछ एग्जॉस्ट है यहां पे और इस साइड यहां पे स्पीकर हो गया और एक स्पीकर इधर हो गया पीछे आपको तो पता ही है यहां पे कुछ डिटेल्स दिए रहते हैं जो भी इसका सीरियल नंबर है एंड इस साइड पे थोड़ी सी आपको बैजिंग मिलेगी कि रिपब्लिक ऑफ गेमर्स गेमीब्लिशमेंट टू थाउजेंड सिक्स एक्सेट्रा ये कुछ डिटेलिंग हो गई यहां पे आपको साइन इन ऑप्शन डायरेक्ट अगर आप फिंगरप्रिंट टच करेंगे यहां पे जैसे ही आप इसको टच करेंगे देखिए मैं इसको टच करूंगा तो यहां ये साइन इन हो जाएगा बट यहां पे हुआ क्या है कि बहुत बार हमने गलत पासवर्ड यहां पे अभी कीबोर्ड पे टिप, मतलब दब गया है तो यहां पे पिन मांग रहा है. तो, all, इसको कर लेते हैं तो हेयर वी गो यहां पे हमने इसको अनलॉक कर लिया है अब ट्रैकपैड क्यों काम नहीं कर रहा है बिकॉज ट्रैक पैड आई थिंक दब करके बंद हो गया तो ट्रैक टचपैड इज इनेबल्ड इसको कर लेते हैं हम लोग मिनिमाइज ओके okay. तो ये हो गए मिनिमाइज आ गए हम लोग सीधे डेस्कटॉप पे इसमें एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस लैपटॉप में आपको मिलेगा अपडेट विंडो 11 का नेवर अपडेट विंडो 11 अपडेट करके आप पछताएंगे कि इस लैपटॉप में हमने विंडो 11 क्यों डाल दिया इवन विंडो 11 इज नॉट ए स्टेबल येट नाउ बिकॉज सबसे पहला इसमें प्रॉब्लम आया साउंड प्रॉब्लम दूसरी चीज बहुत जैसे कि अगर आप डायरेक्ट किसी फाइल को पकड़ करके विंडो 10 में कहीं पे आप ले जाते हैं तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक अट्वेर ओपन हो जाता था ताकि उसमें आप ड्रॉप डाउन कर सकें लेकिन इसमें ऐसा फंक्शन नहीं अभी तक दे रहा है मे बी जो विंडोज है अभी स्टेबल नहीं है ये है दूसरा क्या है इसमें विंडोज का ये फंक्शन है इस लैपटॉप का नहीं है अगर आप साइड से स्लाइड करेंगे तो यहां पे आपको विजिट्स मिल जाएंगे इस साइड से स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे कैलेंडर्स मिल जाएंगे और जो भी आपका मैसेजेस है वो मिल जाएगा अब लैपटॉप की फंक्शन की बात करें तो यहां पे आपको कीज मिल जाते हैं देख सकते हैं ये है आपका रोग की मतलब आर्मर जो मेन इसका जैसे फैन स्पीड हो गई ग्राफिक कार्ड चेंज करना हो गया कि ग्राफिक कार्ड यूज करना है नहीं करना है तो उस उसको ओपन करने के लिए इस बटन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीन पे देखिएगा एक प्रोफाइल खुलेगा आपका जिसको कहते हैं आर्मरी क्रेट इसके अकॉर्डिंग ये एसर का ही मतलब आसूस का ही एक फंक्शन है एक सॉफ्टवेयर है जिसमें सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं आपके सीपीयू का टेम्परेचर कितना है जीपीयू का टेम्परेचर कितना है इवन आप चाहें तो यहां से जब देख सकते हैं सिस्टम कंफिग्रेशन तो यहां पे देखिए आपको जो हाइब्रिड मोड है अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो चेंज भी बंद भी कर सकते हैं जैसे कि ये बैटरी मोड पर है बैटरी आपको बहुत ज्यादा चलाना है सो वाट वी विल डू यू विल क्लिक ऑन दिस कई बार ये काम नहीं करता ये विंडोज इलेवन का प्रॉब्लम है एक्चुअली में इसका प्रॉब्लम नहीं है मैंने कहा ना विंडोज इलेवन में बहुत प्रॉब्लम है तो कई बार ये काम नहीं करता यहां पे स्विचिंग होगा और ये ऑटो मोड पे चला जाएगा तो ये जो आपका ग्राफिक कार्ड है जो सोलह पचास है मार्क्यू ये बंद हो जाएगा उससे क्या होगा आपकी बैटरी पावर ज्यादा चलेगी मैक्सिमम बैटरी पावर मुझे एक बार मिला हुआ है टेन आवर्स का वैसे जनरली बात करें जो एप्लीकेशन के यूज पे है तो मैक्सिमम मैंने जब एक बार विदाउट मतलब चार्जिंग फुल चार्ज करके मैंने फुल बैटरी यूज किया था तो उस समय टेन आवर्स का बैटरी बैकअप मिला था विथ पीडीएफ रीडिंग एंड ऑल वीडियो देखते हैं तो पांच से छह घंटे ब्राउजिंग करते हैं तो पांच से छ घंटे आपको ईजिली मिल जाता है विथ दिस uh, जीपीयू uh, क्लोज मतलब अगर आपका जीपीयू बंद है तब अगर जीपीयू बंद नहीं है देन देयर इज अ प्रॉब्लम आपकी बैटरी डाउन होगी दो से तीन घंटे आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा नाउ बात करें यहां पे फैंस के बारे में हो गए इधर टोटल आपके सिस्टम के जो भी डिटेलिंग है वो हो गया यहां से देख सकते हैं यहां चाहे तो अपने जो भी फंक्शंस आपने सेट किए हैं प्रोफाइलिंग यहां से, सेट कर सकते हैं आर्मरी क्रेट में और इधर कुछ आपके साइन इन के जो भी एसुस का होता है वो कुछ फंक्शंस हो गए यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं जैसे विंडोज में है आपको चाहिए कि बैटरी में ही पावरफुल मोड में चले पावरफुल मोड में चले तो जैसे कि अभी साइलेंट में हमने कर दिया तो विंडोज एकदम बहुत ही बहुत ही कम पावर लेगा और एकदम फैन को शांत रखेगा वहीं परफॉर्मेंस मोड में करेंगे तो पावर इंक्रीज कर जाएगी वहीं टर्बो मोड में करेंगे तो पावर और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी बट रिमेंबर वन थिंग टर्बो मोड में जाएगा ही नहीं जब आप प्लग इन नहीं रहेंगे जब आप पावर प्लग इन करेंगे तभी टर्मो मोड का ऑप्शन मिलेगा और कस्टम मोड का ऑप्शन मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा मैक्सिमम आप परफॉर्मेंस मोड में जा सकते हैं तो ये कुछ ट्विक एंड ट्विक्स हैं इसमें कि आप अगर सिस्टम को फुल ऑप्टिमाइज या यूज करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं अगला यहाँ पे डायरेक्ट बटन देखें तो एक आपको माइक का बटन मिलता है जो कि आपको माइक को ऑन ऑफ करने के लिए दिखा जाता है फिर यहाँ पे साउंड अप एंड डाउन का मिलता है वहीं फंक्शन की की बात करें तो फंक्शन की प्रॉपर अभी काम कर रहा है चेंज करने के लिए डायरेक्ट आप इसको फैन के स्पीड के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं लेकिन विंडोज इलेवन में कई बार क्या होता है फंक्शन की के साथ यही नहीं काम कर रहा है इलेवन का ही प्रॉब्लम है इसका प्रॉब्लम नहीं है ओके देन व्हाट इज प्रॉब्लम आई फेस्ड इन दिस लैपटॉप कि स्पीकर मेरे मात्र पांच महीने के अंदर कोलेप्स कर गए विथ फिफ्टी परसेंट साउंड परसेंटेज मतलब पचास परसेंट ऑडियो पे भी चलाया जा रहा था बट स्पीकर जो है फट गए और एक सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप वारंटी में है तो रिप्लेसमेंट आपको तुरंत मिलता है घर पे आके बंदे बना जाते हैं लेकिन बनाने के बाद सेकेंड टाइम स्पीकर रिप्लेस हुआ और एक महीने के अंदर ज्यादा यूज में भी नहीं है स्पीकर फिर से स्पीकर फट चुका है एक स्पीकर इस साइड वाला पिछली बार भी फर्स्ट टाइम इस साइड वाला स्पीकर डैमेज हुआ था इस बार भी हुआ है ये स्टीकर जो है वो माउस की तरफ से है तो रेजर का है ये इस लैपटॉप पे आपको नहीं मिलेगा सो माइंड इट कि ये रोक फ्लोक पे रेजर का कैसे आ गया स्टीकर तो ये खुद से लगाया गया है तो ये था कुछ लैपटॉप और इसके फंक्शन की बात करें लैपटॉप में क्या क्या है तो यहां पर देखेंगे देखिए ये विंडोज इलेवन में ये एक 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 भी प्रॉब्लम है स्टेबल नहीं होने के चलते टास्क बार जो हाइड होता है वो जल्दी ऊपर भी नहीं आ रहा लेकिन हाँ फंक्शंस विंडोज इलेवन में बहुत सारे हैं जो कि फायदेमंद हैं विंडोज टेन के मुकाबले और ये आने वाले फ्यूचर में जब स्टेबल हो जाएगा तब फायदेमंद होगा और इस लैपटॉप में क्या है एक हां एक आसूस सेंटर आपको मिल जाता है जहां पे आप अपनी वारंटी चेक कर सकते हैं अपने डिटेलिंग्स चेक कर सकते हैं या फिर जब आप कस्टमर केयर में कॉल करेंगे तो वो इस आसुस केयर से आपसे कनेक्ट होगा इवन आपको जो फोन कनेक्शन होती है वो आसूस इसमें देता है यहां पे आपको आपके सिस्टम की डिटेलिंग मिल जाएगी ओके जैसे रोग फ्लो एक्स थर्टीन देन सिस्टम इन्फो मिल जाएगा प्रोडक्ट रजिस्टर करना चाहते हैं वो कर लें अपग्रेड वारंटी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं यहाँ पे अपग्रेड वारंटी पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे कि मैंने अपनी वारंटी अपनी एक आईडी बनाइएगा लॉग इन कर लीजिएगा तो मैंने अपग्रेड कर लिया है इनिशियल में क्या हुआ था जब लैपटॉप लॉन्च हुई थी उस समय ये ऑफर नहीं दे रहे थे 15 डेज का अब तो दे रहे हैं कि आप आसूस के प्रोमो वेबसाइट पे जा सकते हैं मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और पंद्रह दिन के अंदर अगर आप प्रोडक्ट आप रजिस्टर कर लेते हैं तो मात्र उन्नीस सौ निन्यानवे रुपए में दो साल का आपका वारंटी एक्सटेंशन हो जाएगा जो कि बहुत फायदेमंद है ले लीजिएगा क्योंकि जो स्पीकर इस इसमें डैमेज हुए हैं अगर सपोज वो स्पीकर मेरे वारंटी आउट ऑफ वारंटी के बाद डैमेज होते तो अप्रोक्स बारह सौ रुपए पंद्रह सौ रुपए या दो हजार रुपए के अप्रॉक्स पड़ते जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे आके उनका स्टाफ बना जाता है पांच से छह दिन का टाइम लगता है अगर आप पटना या मुजफ्फरपुर किसी मतलब बढ़िया जहां पे सर्विस सेंटर अवेलेबल है तो एक या दो दिन में ये शॉर्ट आउट हो जाता है तो ये अच्छा है कुछ भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ से आप अपने सिस्टम को चेक कर सकते हैं आसूस स्विच है अलग अलग कुछ सॉफ्टवेयर आसूस की तरफ से दिए गए हैं यहाँ पे आसूस प्रोमेश प्रोमोशन है जो कि उनके अपने एपडील्स चलते रहते हैं उनके बारे में है ओके देन आपको करना क्या है कि जैसे ही आप इस लैपटॉप को खरीदें लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप डायरेक्ट वहां से भी चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट को तो जाना है आसूस प्रोमो के प्रोमो डॉट इन करके है उनका वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस पर पंद्रह दिन के अंदर रजिस्टर कर लेना है और बिल्कुल एक्सटेंशन ले लेना है उन्नीस सौ रुपए ज्यादा नहीं है अगर इतना महंगा आप लैपटॉप खरीद सकते हैं तो उसको भी बाय कर सकते हैं मैंने एक साल का ही सिर्फ एक्सटेंशन लिया बट मुझे वो कॉस्टली पड़ा तीन का पड़ा सिर्फ इसलिए ताकि प्रोडक्ट में कोई डैमेज आए क्योंकि अलग तरीके का इसमें हर चीज आपको मिलता है पेन मिलता है और विथ फिंगर आपको टेन पॉइंट टच मिलता है तो इन सारी चीजों को अगर आप गौर करेंगे तो बहुत कॉम्पैक्ट चीज में बहुत सारी चीजें डाल दी गई हैं तो उस पावर को अगर आपको यूज करना है तो जाहिर सी बात है कि उस लैपटॉप में फॉल्ट आ सकता है बट इस लैपटॉप में अभी तक कोई फॉल्ट सुनने में नहीं आया है जो भी यूज कर रहे हैं फैंटास्टिक लैपटॉप है और जो टच है वो भी एकदम प्रॉपर वर्क करता है कोई इसमें लैग नहीं है अगर आप किसी चीज को ओपन करते हैं तो वो भी प्रॉपर ओपन होता है चाहे वो बैटरी पे हो चाहे वो अगर आप पावर प्लग पे चला रहे हैं मतलब एज ए इलेक्ट्रिसिटी पे चला रहे हैं तो भी ईजिली ओपन होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बैटरी पे जैसे अभी हम लोग साइलेंट मोड में चला रहे हैं तो फुल पावर इसको नहीं मिल रहा जैसे ही हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे तो फुल्ली अपने पावर पे आ जाएगा टर्बो मोड में और टर्बो मोड में एक समस्या है इसमें कि साउंड बहुत ज़्यादा करता है मैं आपको फैन की साउंड सुनाता हूं इन टर्बो मोड लेट मी कनेक्ट तो ऐसा कुछ टाइप सी का इसका प्लग है जो कि 100 वॉट का है इवन फायदा क्या है इस प्लग का कि इसके एडेप्टर से आप अपना मोबाइल फोन भी चार्ज कर सकते हैं तो ये हमने कनेक्ट कर दिया जैसे ही कनेक्ट होगा तो ये ऑफ मतलब स्क्रीन एक बार फ्लक्चुएट करेगी देन वो अपना मोड चेंज करेगा अगर हम आर्मरी क्रेट में जाएं और मोड टर्बो में डाल दें यहां टर्बो में कर दें देखिए मैनुअल में हम इसको मैक्स पे रख सकते हैं सब कुछ जीपीयू सीपीयू टर्बो में जैसे ही हम डालेंगे तो देखिए फैंस आपको साउंड आई थिंक सुनाई दे रहा होगा मैं लैपटॉप के करीब लेके जाता हूं फोन को तो फैन की स्पीड सुनिए कितनी तेज हो चुकी है So, ऐसे कुछ फैन का स्पीड तेज हो जाता है इवन आप देख सकते हैं मेमोरी फ्रिक्वेंसी जो है वो कितने पे चल रही है और जो सीपीयू स्टेटस है वो कितने पे चल रही है इन सारी चीजों को आप यहां से देख सकते हैं फैन की स्पीड यहां देख सकते हैं सीपीयू फैन 9000 आरपीएम पे चल रहा है और जो जीपीयू फैन है वो 7400 आरपीएम पे चल रहा है सिस्टम इ जो है 45, डेसिबल के प्रॉक्स पहुंच चुका है वहीं पे जैसे हम इसको साइलेंट करते हैं तो देखिए फैन की स्पीड सब कुछ डाउन होगी सिस्टम का जो पावर है वो भी डाउन होगा और जो एकॉस्टिक है वो भी धीरे धीरे डाउन होने लगेगा तो ये कुछ फंक्शन है इवन अगर आपके लैपटॉप में जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि इसमें बहुत डिफरेंट कलर्स दिए रहते हैं तो अगर आरजीवी के ऑप्शन हैं तो यहां पे ऐप कंफ्रिगेशन है वहां से आप चेंज कर सकते हैं बट इसमें नहीं है तो नहीं कर सकते हैं वन एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा अगर अगर आपके घर में अर्थिंग का प्रॉब्लम है तो ये लैपटॉप भी बहुत तगड़ा करंट देता है मतलब अर्थ ले लेता है तो इसके जो एजेस हैं जो मैग्नेट्स हैं बहुत बहुत भयानक करंट मारते हैं क्योंकि यहां पे मैग्नेट्स लगे हुए हैं इन एजेस पे अगर मैं आपको कुछ इसमें टच करा कर दिखाऊं वेट अ सेकेंड सपोज ये अपने पेन का एक ढक्कन है कवर है ये देखिए ये मैग्नेट है स्ट्रॉ मैग्नेट है एक्चुअली ये तब यूज यूज करने के लिए दिया गया है जब आप पेन पेन इसका कर रहे हैं पेन मैंने मिसप्लेस कर दिया है घर पे छूट गया है अभी जहां हूं वहां नहीं है तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं इसका पेन जो है कॉस्टली है तो खोब मत दीजिएगा पहले ही बता दे रहा हूं और एक इसमें प्रॉब्लम और है कि पेन रखने का कहीं जगह नहीं दिया बस ऐसे ही आप टच कर सकते हैं लेकिन होता क्या है कि जब आप लैपटॉप रखिएगा चाहे कहीं और यूज कर रहे हैं तो पेन निकल जाता है बार बार इसीलिए आपको उसको अलग रखना पड़ता है ताकि सेफ रहे और इसको मिटिगेट करने के लिए फिलहाल तो ये ह्यून का एक टैबलेट जो है चौबीस पच्चीस सौ का बहुत सस्ता है ग्राफिक टैबलेट इसको यूज किया जा रहा है ताकि लैपटॉप पे लिखा जा सके वैसे आप चाहें तो फिंगर से भी लिख सकते हैं एक चीज आपको इस लैपटॉप में और बताना चाहूंगा कई बार क्या होता है जो जैसे लैंडस्केप मोड में हम लोग थे ठीक है लैंडस्केप मोड में थे और जैसे ही हम लोग टैबलेट मोड में जाएंगे इसको हम लोग चेंज करेंगे तो क्या होता है कि ये रोटेट नहीं होता है जैसे अभी ये रोटेट हो रहा है सपोज ये रोटेट हो रहा है. ये रोटेट नहीं होता है. उस केस में आपको क्या करना है सिंपल जो पावर बटन है जो पावर बटन है उसको एक बार प्रेस कीजिएगा तो ये स्लिप मोड में चला जाएगा फिर दूसरी बार प्रेस कीजिएगा तो उसके बाद फिर से जब आप इसको चेंज कीजिएगा ओरिएंटेशन इसका तो रोटेट करने लगेगा तो ये कुछ फंक्शन है इसके जो कि मैंने भी मतलब चलाते चलाते ही सीखा है अब क्यों है ऐसा समझ में नहीं आता बिकॉज सॉफ्टवेयर से आप चेंज करने जाइएगा विंडोज से तो वहां से नहीं हो पाता है जैसे यहां पर आप देखेंगे रोटेशन के लिए देता है जैसे यहाँ रोटेशन लॉक है ये रोटेशन लॉक उस समय हाइड हो जाता है मतलब दिखता ही नहीं है अभी जैसे लॉक कर सकते हैं उस समय नहीं दिखता है तो ये कुछ प्रॉब्लम है तो वो विंडोज इलेवन का है इस लैपटॉप का नहीं है अगर आप सोच रहे हैं इस लैपटॉप को लेना तो बिल्कुल लीजिए कोई फ्लॉ नहीं है इसमें कोई खराबी नहीं है और लेना चाहिए क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि डेढ़ किलो के नीचे वजन में भी कम बहुत ही हल्का है लेना चाहें तो इजिली ले सकते हैं देखिए अभी रियली really, मतलब इतना प्रॉब्लमेटिक है मैं चाह रहा था कि डाउनग्रेड कर जाऊं विडो टेन पे लेकिन जब विंडो टेन पे डाउनग्रेड करने गया तो जाहिर सी बात है कि जब अपग्रेड से आप डाउनग्रेड करते हैं तो आपको पूरा रिसेट करना पड़ता है और फिर मुझे वो सारे चीज सारे एप्लीकेशन फिर से इंस्टॉल नहीं करने इसलिए मैंने डाउनग्रेड नहीं किया मैंने सोचा धीरे धीरे स्टेबल हो ही जाएगा बट बहुत प्रॉब्लमेटिक है सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है तो ये कुछ फंक्शन है जैसे कि अगर मान लीजिए जब पावर मोड में चल रहा है अगर इसका हम पावर निकाल देते हैं तो पता नहीं कैसे अगर वही टैबलेट मोड में इसको कर दें देखिए तो ये फिंगर भी आई थिंक काम करना चाहिए अब कुछ कुछ चीजें अभी भी एक्सप्लोर ही कर रहे हैं आदमी अब ये क्यों दिया है कि जब पेन से आप लिखें तो आपका जो फिंगर है उसको अलग डिटेक्ट करे और आप इजिली इस कैनवेस को इधर उधर कर पाए और पेन से लिखते रहें होता क्या है कि कई बार होता है कि फिंगर भी डिटेक्ट कर रहा है पेन भी डिटेक्ट कर रहा है तो आपको अब साइड में करना है तब किससे करेंगे इसीलिए फिंगर से वर्क नहीं कर रहा बट इसका कुछ फंक्शन होगा जाहिर सी बात है एक्टिव पेन और नॉट देखिए पेन को मैंने बंद कर दिया तो अब फिंगर भी डिटेक्ट करने लगा तो स्क्रीन एकदम बहुत अच्छा काम करता है फुल रिस्पॉन्स है बट आई विल सजेस्ट एक ग्राफिक टैबलेट लीजिए ये कभी कभी इमरजेंसी में ही स्क्रीन पे आपको काम करना चाहिए क्योंकि डेलिकेट चीज है आप बार बार लिखिएगा तो आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं देखिए ये ग्राफिक टैबलेट पे आपको घिसा हुआ दिखेगा आई होप अगर साइनिंग पे आप देख सकें तो घिसा हुआ घिसा हुआ दिखेगा तो अगर पेन से इस पे चलाने से घिसा हुआ दिख सकता है तो सोचिए आपके इस स्क्रीन का क्या हाल होगा इसीलिए आई विल सजेस्ट कि अगर आपको कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ा पेन का तो ही आप स्क्रीन पे यूज करना नहीं तो स्क्रीन प्रोटेक्टर आप लीजिए उसके बाद यूज कीजिए महंगा सामान खरीद रहे हैं वैसे भी अब ऐसा तो है नहीं कि हर दो दिन में आप एकदम से बदल सकते हैं लैपटॉप अगर वैसा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है आप एप्पल लीजिए मैकबुक प्रो लीजिए जो भी लीजिए स्क्रीन पे लिखिए तोड़िए फेकिए है ना तो ये था ये लैपटॉप मेरे रिव्यू के हिसाब से पूरा अपने प्राइस सेगमेंट में क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे जब इसके प्रोसेसर आप देखते हैं और जीपीयू सबसे बड़ी बात जो जीपीयू 1650 सो मिल रहा है इतने कॉम्पैक्ट में वो कभी नहीं मिलता था तो मायने रखता है और आई विल से कि यस ये लैपटॉप लेने लायक है क्योंकि एएमडी की जब अगर आप बात करें कि एएमडी का राइजन 7 प्रोसेसर आता है वही फाइव थाउजेंड सीरीज अगर यहां देखें हम लोग डिटेल में अगर इसके कन्फिग्रेशन की बात करें एम डी राइजन सेवन फाइव एट डबल जीरो एच एस विथ रेडियन ग्राफिक थ्री ट्वेंटी जो कि फोर पॉइंट थ्री तक जाता है सोलह जीबी का रैम आता है प्लस उसके बाद आपका पेन एंड टच सपोर्ट है टेन टच पॉइंट देखिए यहीं पे लिखा 10 है टेन टच पॉइंट सपोर्ट है यानी दसो फिंगर से आप कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं अभी जो लैपटॉप में विंडो चल रहा है देख सकते हैं विंडोज 11 प्रो चल रहा है अब ये प्रो कैसे आप सोचेंगे कि होम इसमें आता है प्रो कैसे है तो एक्चुअली मैंने अपग्रेड किया था इसको अब कैसे किया था ये तो आप पूछ सकते हैं बट मैंने अपग्रेड किया था यहाँ पे आपको डिफरेंट चीजें दिख जाएंगी क्या क्या सपोर्ट है एक्सेट्रा एक्सेट्रा थोड़े से विंडोज 10 से इसके फंक्शंस अलग हैं तो पूरे मैंने एक्सप्लोर भी नहीं किया बस अपने काम से काम अभी रखा जा रहा है उतने मतलब एकदम से इसमें नहीं गए यहां से आप चाहें तो आप लैपटॉप को रीनेम कर सकते हैं लैपटॉप का ये है और रोक फ्लो एक्स थर्टीन ये मॉडल है मॉडल डिफरेंट डिफरेंट है बट आई विल सजेस्ट कि आप इस इ, इ, इस लैपटॉप को जरूर लें हायर जो इसका मॉडल है राइजन नाइन वो ना लेकर के आप राइजन सेवन ले सकते हैं क्योंकि कॉम्पैक्ट में हीट करता है और ही, हीट हीट इन दी सेंस जैसे कि अगर मान लीजिए बहुत हेवी, आप गेमिंग कर रहे हैं बहुत हेवी गेमिंग के लिए तो है नहीं हाँ ये है कि अगर आप प्रोसेसिंग या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए लेना चाहते हैं कॉम्पैक्ट चाहिए तो बेस्ट है बहुत हल्का है वजन आप देखें बहुत हल्का है मतलब आई थिंक लाइट एंड स्लिम भी बहुत है बहुत ही ज्यादा स्लिम है लैपटॉप सो गो फॉर इट आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कुछ सवाल होंगे तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन ओपन है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है इवन कमेंट सेक्शन के पहले पिन कमेंट में भी है वहां से आप जाकर के लैपटॉप बाय कर सकते हैं सो सी इन दी नेक्स्ट सेशन तब तक के लिए टेक केयर बाय